ऑरेंज सिटी रनर सोसाइटी नागपुर की ओर से कैंसर जन जागृति का संदेश देने के लिए 8 दिसंबर को नागपुर सिटी मैराथन का आयोजन किया गया है, ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान आयोजकों द्वारा दी गई। ऑरेंज सिटी रनर सोसाइटी नागपुर की ओर से कर्क रोग जन जागृति का संदेश देने के लिए नागपुर सिटी मैराथन का आयोजन तारीख 8 दिसंबर को किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजकों ने पत्र परिषद के दौरान दी। 23 शहरों से लगभग 3000 खिलाड़ी रन फॉर फिटनेस के लिए नागपुर में आ रहे हैं। इस नागपुर सिटी मैराथन में कई अफसर, कॉरपोरेट नेतागण, डॉक्टर, वकील, विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। इस प्रोग्राम के दौरान हर चौराहे पर संगीत से आने वालों का मनोरंजन भी किया जाने वाला है, ऐसी जानकारी आयोजकों ने दी है। नागपुर सिटी मैराथन ही 8 तारखेला होणार आहे, 8 डिसेंबरला। नागरिकांनी सहभाग घ्यावा या दृष्टीने केलेली आहे आणि नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट याच्या सहयोगासाठी आम्ही ही मॅरेथॉन आयोजित केलेली आहे। आम्ही साधारणतः 4000 क्रॉस केलेले आहे, 4200 आमचा आकडा गेलेला आहे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशनचा, म्हणून आम्ही आत्ता रजिस्ट्रेशन बंद केलेलं आहे, कारण एवढी आमची कॅपॅसिटी की आम्ही इतक्या लोकांना अकोमोडेट करू शकू। सेंट उर्सुला हा हे ग्राउंड आहे, त्याची तेवढीच कॅपॅसिटी आहे की 4 ते 5000 वरती आम्ही करू शकत नाही, आणि आम्हाला वाटतं की 4000 हा क्रॉस केला हा आकडा आमच्यासाठी हा बराच उत्तेजनार्थ आहे, आम्ही चांगलंच अचीव केलेलं आहे। दर्शक नमस्कार, ऑरेंज सिटी रनर सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी इस समय हमारे साथ में मौजूद है, आइए चलिए उनके साथ चलते हैं और उनसे ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो स्पर्धा होने जा रही है, ये लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे एक पदाधिकारी, सर आप बताइए कि क्या उद्देश्य आपका। नागपुर शहर को हम फिट शहर बनाने की इच्छा कर रहे हैं, 4 साल से हम कार्यरत है, 2015 से ये सोसाइटी यही कार्य कर रही है, रन फॉर फिटनेस हम फैला रहे हैं और इसमें हम चाहते हैं कि धीरे धीरे जो अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें से ये शहरवासी बाहर आए, बाहर आके देखें इतना सुंदर वातावरण रहता है हमारे नागपुर शहर ने दिया हुआ, वो सुंदर वातावरण का भी फायदा ले। कितने लोग आने की उम्मीद है? 4200 ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं एंड वी स्टॉप द रजिस्ट्रेशन। हमारी उम्मीद 3000 की थी बट वी हैव क्रॉस्ड 4000 एंड मोर आर एक्सपेक्टेड बट वी हैव स्टॉप्ड द रजिस्ट्रेशन। शर्मा सर ये बताइए कि जो आने वाले जो लोग हैं वो कौन से प्रांत या राज्यों से आने वाले हैं? देखिए नागपुर के अलावा हमारे पास 23 भारत के 23 शहरों से लोग आ रहे हैं, करीबन 100 एथलीट्स जो हैं बाहर से आएंगे इन 23 शहरों में से। सर आप बताइए कि इनको जो यूनिफॉर्म दिया जाएगा वो कौन सा होगा? इनको हम एक टी शर्ट दे रहे हैं स्पेशली बनाया हुआ, जो हमारा जो सर हमारे पहने हुए उस टाइप में एक टी शर्ट दे रहे हैं, उनको हम एक मेडल दे रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑनलाइन हम उनको मिलने वाला है और फिर पूरे रास्ते में हाइड्रेशन, ब्रेकफास्ट ये सब चीज़ें उनके लिए रहेंगी। जिस प्रकार से आपने एंटरटेनमेंट की बात की है, आपको नहीं लगता कि जो उस दौर में जो हिस्सा लेने वाले हैं उन्हें वो डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? नहीं, क्यों डिस्टर्ब होंगे, धावक जो होता है उसे अगर एंटरटेनमेंट मिलती है तो और मोटिवेट होता है वो। जैसे हम बाकी भी शहरों में देखे, बम्बई में TMM होता है, टाटा मुंबई मैराथन, वहाँ पे जब वो राइट साइड में हम देखते हैं अलग अलग स्टेट्स के बैंड बजते हैं तो और मोटिवेट होता है और जल्द जो जम के दौड़ता है। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा है कि संगीत हो या खेल हो, ये दोनों का जब मिश्रण होता है तो उसमें जो एक आउटपुट निकलता है बेहतरीन सी बात होती है और यही बात 8 दिसंबर को नागपुर शहर में होने जा रही है। पूरे भारतवर्ष का ध्यान अगर कहीं है तो नागपुर में होने वाली 8 तारीख के उस प्रतियोगिता में है जहाँ पर बढ़ चढ़ कर सभी तबके के सभी आयु के लोग अपना हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को सफलता की एक पायदान पर लेके जाने वाले हैं। नागपुर के इस पत्रकार भवन से कैमरा पर्सन वीरू के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।